नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं कल डीएम कौशल राज शर्मा ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। क्या पूरा मामला आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम कौशल राज शर्मा ने सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तमाम अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। शांति व्यवस्था के लिए अपर जिलाधिकारी पूर्वी और अपर जिलाधिकारी पश्चिमी को आदर्श आचार संहिता एवं वीडियो सर्विलांस के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बक्शी का तालाब में 60 वल्नरेबल व 60 क्रिटिकल बूथ चिन्हित हुए हैं। सदर के द्वारा 120 वल्नरेबल व 120 क्रिटिकल, लखनऊ पश्चिम के द्वारा 24 वल्नरेबल व 24 क्रिटिकल बूथ, लखनऊ पूर्वी के द्वारा 8 वल्नरेबल व 13 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं। मोहनलालगंज के अधिकारी द्वारा ऐसे बूथ चिन्हित न करने पर डीएम ने फटकार भी लगाई। उन्होंने 2 दिन के अंदर सभी बूथों को चिन्हित कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शस्त्र व पटाखों की दुकानों के सत्यापन 15 फरवरी तक पूरा करने के भी डीएम ने निर्देश दिए। साथ ही निर्वाचन के समय हेलीपैडों और रैली स्थलों के चिन्हांकन हेतु प्रत्येक विधानसभा में 2-2 रैली स्थल और 2-2 हेलीपैडों को चिन्हित करने के भी आदेश दिए गए हैं। और ऑब्जर्वर हेतु वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए गेस्ट हाउस में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां तो जोरों शोरों पर है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव 2019 किसके नाम होता है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खबर लखनऊ।